Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to another cooking story. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से झटपट बनने वाली इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा मज़ेदार बनकर रेडी होती है। अगर आप भी मीठा लवर हैं तो ये इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आए बगैर देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्टेंट बर्फी बनाने के लिए खुला बर्तन ले लेंगे ताकि इसके अंदर पकाना बहुत आसान हो। फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 लीटर के जितना दूध। आप यहाँ पर खुला दूध या फिर डब्बे वाला दूध कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी हुई इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी आप 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले दूध को मीडियम फ्लेम पे इतना पका लेंगे कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी फ्लेम हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे जैसे से इतना पकाना है कि हमारे पास जो दूध है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। साथ ही साथ जो साइड पे दूध आ रहा हो, बॉयल होते हुए अक्सर ये होता है कि दूध जो है वो ऊपर आता है तो साइड पे लग जाता है, उसको भी चम्मच के साथ स्पैचुला के साथ अच्छे से स्क्रेप ऑफ करते जाएंगे ताकि कोई भी चीज साइड पे लगे, अगर बलाई भी साइड पे लग जाए तो वो बर्न नहीं हो जाए, अदरवाइज उसकी स्मेल भी बहुत गंदी आती है। तो इस तरह से फील होता है कि दूध या मिठाई जो है वो लग गई है, नीचे जल गई है, तो वो फिर बहुत ही अजीब सा टेस्ट और अजीब सी स्मेल आती है। तो इसी तरह से साइड्स को अच्छे से स्क्रेप ऑफ करते जाएंगे। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आए तो यहाँ पे भी फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे। फ्लेम हाई करने के बाद आपने अब इसके सर पे ही खड़े रहना है, बिल्कुल भी आपने इसको छोड़ के इधर उधर नहीं होना और इसके अंदर चम्मच इसी तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पे अब इसे इतना पका लेना है कि अगर दूध 2 किलो लिया है तो वो तकरीबन 1 किलो रह जाए, यानी कि दूध को आधा होने तक पका लेंगे। इससे ये होगा कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई फ्लेम रख के ही दूध को फर्स्ट बॉयल आने के बाद पकाएंगे। इससे ये होगा कि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और नीचे भी नहीं लगेगा। जैसे ही दूध यहाँ पर 1.5 से 1 किलो के दरमियान में हो तो इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के जितनी शुगर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दोबारा इसी तरह से चम्मच के साथ ही या स्पैचुला के साथ ही साइड्स को स्क्रेप ऑफ करते रहना है और दरमियान में भी चम्मच आराम से हिलाते रहेंगे। इससे ये होगा कि दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा, ना ही साइड से जो दूध है वो जलेगा, तो इसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की जले हुए की स्मेल नहीं आएगी। अच्छे से इसे पका लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसे इतना पकाना है कि दूध अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर अभी मजीद इसे और पकाएंगे ताकि ये तकरीबन 1 किलो के जितना रह जाए। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली इसके अंदर इसी तरह से चम्मच चलाते रहे बहुत ही हल्के हाथों के साथ। फ्लेम जो है वो यहाँ पे आपने बिल्कुल हाई ही रखनी है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसी तरह से इसे पका लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध अब यहाँ पर काफी हद तक इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है। इस टाइम पे दूध को कर्डल करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करते हुए भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि लेमन जूस ऐड करते हुए एक तो आपने चम्मच चलाते रहना है और एक ही जगह पे सारा लेमन जूस ऐड नहीं कर देना, इसको हमेशा फैला के ही ऐड करेंगे। साथ ही इसे अच्छे से फौरन से मिक्स कर लेंगे कि जो लेमन जूस हमने ऐड किया है वो सारे दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध अच्छे से कर्डल हो जाए। यहाँ पे जो हमने इसके अंदर लेमन ऐड किया है उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, इवन इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार बन के रेडी होता है। लेमन इस स्टेज पे ही ऐड करेंगे जब दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो। जैसे ही दूध की कंसिस्टेंसी थिक हो तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इसी तरह से स्पैचुला हिलाते हुए इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हिलाते जाएंगे तो दूध अच्छे से कर्डल हो जाएगा। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी ज्यादा लेमन जूस ऐड नहीं करना। दूध को हमने जस्ट इतना सा ही कर्डल करना है कि इसके अंदर थोड़े थोड़े से दाने बन जाएं कुछ इस तरह से, बहुत ज्यादा कर्डल के लम्स नहीं बनने चाहिए, अदरवाइज उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा नहीं आएगा। तो हल्का सा ही इसे कर्डल करना था, इसलिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस इनफ था। अभी यहाँ पर फर्दर हम इसे इतना पका लेंगे कि ये बिल्कुल एक थिक सी कंसिस्टेंसी में आ जाए और यहाँ पर ये बिल्कुल जो इसके अंदर लिक्विड है वो ड्राई हो जाए। तो अच्छे से इसे फर्दर पका लेंगे। अगर आप ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपको बनाने में बहुत जल्दी होगी, इसका बिल्कुल भी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। ये बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाती है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये इजिली पक जाएगा। अच्छे से पकाते हुए आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर बबलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस बबलिंग की स्टेज के ऊपर आपने अपना बचाव बहुत ज्यादा करना है क्योंकि एकदम से ये बबल छोड़ के आपके हाथ के ऊपर भी गिर सकते हैं और आपका हाथ भी जल सकता है। तो इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कोई भी ग्लव यूज कर लें, इसमें बहुत ध्यान से काम करें ताकि आपका हाथ जो है वो बिल्कुल नहीं जले। प्रोसेस इसका सेम वही है, इसमें ज्यादा काम सिर्फ और सिर्फ पकाने का ही होता है, लेकिन यहाँ पे आके आपने अपने हाथ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि कहीं ये उठ के आपके हाथ के ऊपर ना गिर जाए और आपका हाथ ना जल जाए। तो हल्के हाथों के साथ इसे इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि नीचे भी ना लगे और ना ही साइड पे लगने वाला मटेरियल जो है वो बर्न हो। तो इसी तरह से आपने साइड से नीचे से अच्छे से स्क्रेप ऑफ करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है।
अच्छे से ड्राई कर लेने के बाद जब ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आए तो इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे। देसी घी ऐड करने के बाद अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देसी घी ऐड करने से एक चीज़ ये भी होगी कि ये बिल्कुल नीचे चिपकेगा नहीं, ये अपनी साइड्स छोड़ना स्टार्ट कर देगा और अच्छे से भून जाएगा। यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा देसी घी ऐड नहीं करना, 1 टेबलस्पून बिल्कुल इनफ है। 1 टेबलस्पून ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे और मिक्स कर दिए जाएंगे ताकि ये मटीरियल जो है वो पैन की साइड्स को छोड़ता जाए और अच्छे से भून जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना या इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करनी। 1 से 2 मिनट के लिए भूनना इसका बिल्कुल इनफ है। तो अच्छे से यहाँ पर इसको भून लेंगे और अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। आप किसी भी बोल में इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस भी बोल में ऐड करें वो कांच का होना चाहिए और वो अच्छे से ग्रीस्ड होना चाहिए। तो मैंने इसे घी से अच्छे से पहले ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद ये सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है। फिर किसी भी चम्मच या फिर पैलेट नाइफ के साथ उसको अच्छे से पहले ग्रीस कर लें। इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अपनी एक शेप में आ जाए। अच्छे से इसको लेवल अप कर लेंगे बेसिकली, ताकि ये थोड़ा सा नीट लगे और इसकी लुक भी अच्छी आए। अच्छे से इसे प्रेस डाउन करते हुए एक इवन और नीट सी लुक दे लेंगे। अच्छे से प्रेस डाउन करने के बाद, स्मूथ आउट करने के बाद इसे क्लिंग रैप से रैप कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। फ्रिज में छोड़ने से ये होगा कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और इसकी शेप एक बहुत ही अच्छी सी बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी। 2 घंटे के बाद यहाँ पर हमारी इंस्टेंट बर्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसे डिश आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसे कट कर लेना है। तो बर्फी को कट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप कोई भी नाइफ का यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये इस तरह से स्क्रेपर। तो स्क्रेपर को पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इस तरह से इसे कट कर लेंगे। आप जिस तरह की शेप में चाहें इसे इजीली कट कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसे छोटे छोटे स्क्वायर्स की फॉर्म में कट कर लूंगी। आपके पास अगर कोई कुकी कटर अवेलेबल है या आप इसे कोई डिफरेंट शेप में कट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कट कर लेने के बाद इसके ऊपर एक एक बादाम लगा लेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आए। या आप अगर दरमियान में या अंदर भी बादाम ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकती हैं। तो ये थी मेरी इंस्टेंट बर्फी की छोटी सी रेसिपी, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होती है और शाम की चाय के साथ सर्व करने के लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और भी कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और बहुत ही जबरदस्त वीडियो में कोई और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।